सनातन के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है और लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद का पूरा कुनबा मौन स्वीकृति देता है, एक्सपोज हो जाएंगे और शून्य पे आउट हो जाएंगे। परंतु लालू प्रसाद यादव जी का एजेंडा बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक है, मुस्लिम तुष्टिकरण। पूरा का पूरा घमंडिया गठबंधन ही झोल है। इस घमंडिया गठबंधन में हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के साथ है और हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। कोई नई बात नहीं है, हर व्यक्ति अपनी सोच के साथ है, अपने फायदे के लिए है, दूसरा कोई कॉमन एजेंडा है ही नहीं। और जहां पे हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए है तो फिर वहां किस बात का साथ और किस बात का धोखा। आज की मीटिंग में ललन सिंह उस मीटिंग से दूर है, क्या आप? ये तो जनता दल यूनाइटेड के लिए ये जो संदेश है वो लोग समझे। किन कारणों से राष्ट्रीय अध्यक्ष उस मीटिंग में नहीं है ये तो जनता दल यूनाइटेड समझे और उनके घमंडिया गठबंधन के लोग समझे। हम लोगों के लिए तो इतना है कि आज मेढकों को तौलने की कोशिश हो रही है जो नाकाम रहेगी। क्या लग रहा है 2024 के लिए ये खतरनाक भी हो सकती है? 2024 में देश की जनता ने मन बना लिया है। देश के प्रधान सेवक, भारत के प्रधान सेवक मोदी जी को 400 प्लस सीटों देने का, अब ये खतरनाक डिसीजन तो उन लोगों के लिए है जो माननीय मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शून्य पे बहुत होने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का विरोध करने वाले बहुत से परिवारवादी, भ्रष्ट, राजनीतिक रूप से लुटेरे एक्सपोज हो जाएंगे और शून्य पे आउट हो जाएंगे। आज इंडिया गठबंधन की बैठक है, क्या बड़ा फैसला ले सकती है? कोई फैसला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा है। घमंडिया गठबंधन के पास न तो नेतृत्व है और न तो नीति है और नियत तो है ही नहीं, और ये तीनों संभव ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के साथ है, अपने फायदे की सोच के साथ है। जिस तरह से लालू जी कभी मंदिर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लगातार पूजा पे वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, असली एजेंडा उनका तुष्टिकरण ही है। क्योंकि एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव जी मंदिर जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके साथी, जिनसे वो अपने पारिवारिक रिश्ते भी बताते हैं, स्टालिन, उनका बेटा सनातन के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है और लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद का पूरा कुनबा मौन स्वीकृति देता है। चुपचाप रहना भी एक तरीके की स्वीकृति है। अगर लालू प्रसाद यादव जी ने एक शब्द भी कहा होता तो मैं मान लेता, परंतु लालू प्रसाद यादव जी का एजेंडा बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक है, मुस्लिम तुष्टिकरण। इंडिया गठबंधन से भी नीतीश कुमार लगातार नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का शौक था। अब भाई दिन के सपने देखेंगे तो नींद तो रोज ही टूटेगी। प्रधानमंत्री पद पे भारत में वैकेंसी नहीं है। इस देश के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत की जनता ने अगले पता नहीं कितने सालों के लिए तय कर रखा है कि प्रधानमंत्री वही रहेंगे। लेकिन बोल रहे हैं कि 2024 में 40 की 40 सीट हम लाकर दिखाएंगे। 40 की 40 सीट इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को देगी बिहार में, पक्की बात है। और पूरे देश में 400 से ज़्यादा सीटें, सही बात है, 40 सीटें बिहार में और 400 सीटें भारत में। बताया जा रहा है कि बीजेपी अब डर चुकी है। भाई ये दिन में सपने देखने की इन लोगों की पुरानी आदत है, एक सपना और सही। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।